ग्वालियर में दो अलग अलग स्थानों पर हुई दो युवकों की हत्या को लेकर दलित वर्ग के संगठन सम्यक समाज संघ ने गांधी रोड स्थित तानसेन होटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीआईपी रोड पर हुए धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत ही मौके पर पहुंचे। अफसरों ने पीड़ित परिवारों को जल्द ही न्यायालय की उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ज्ञात हो कि सिरौल इलाके में जहां पारस जाटव नाम की युवक की हत्या कर दी गई थी, वहीं अशोक कुमार नामक एक अन्य युवक की गंधर्व सिंह से व्यक्तिगत रंजिश के चलते हत्या किए जाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। अशोक कुमार की एक महीने पहले 17 जून को पेड़ पर टंगी लाश मिली थी। परिजनों का आरोप है कि उसे मारने के बाद फांसी पर लटकाया गया है। अशोक कुमार की पत्नी और उसके दोनों बच्चे भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। पत्नी का कहना है कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह उग्र प्रदर्शन करेगी। महिला संगीता ने पड़ोस में रहने वाले गंधर्व यादव पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सिरौल इलाके में पारस जाटव की पड़ोसी ने नरसंहार हत्या कर दी थी। इस मामले में भी सम्यक समाज संघ ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने को लेकर आक्रोश जताया है। हम संगीता है। संगीता, क्या घटना? मेरे पति की बेड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। हम मार के उन्हें फांसी पर लटका दिया और अब एक महीना हो गया, 17 जून की बात है ये, अभी तक ना कोई FIR ना मेरे घर कोई आया, पुलिस वाला ना पूछे कि क्या हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं। हमें गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारा हो रहा हो रहा, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा मेन मुद्दा ये कि मेरे पति के जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार करें और मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं मिली तो मैं यहाँ दो दिन हो जाए मैं यही अपनी जान दे दूंगी दोनों बच्चों के साथ। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम था आपके पति का? अशोक कुमार। क्या करते हो? कुछ नहीं। किसी अधिकारी से आपको बात हुई अभी तक? नहीं, कोई आ ही नहीं रहा और हमसे और पूछ रहे हैं कि क्या कहाँ हत्या हुई है। ये इनको हमें बताना चाहिए क्या? एक महीना हो गया इनको यही नहीं पता पुलिस प्रशासन को क्या शहर में क्या हो रहा है। किसने हत्या की थी मालूम? हाँ, एक गंधर्व यादव है। अब उसके साथ ही मुझे पता नहीं, उसमें वो मेरे पीछे रहता है। समाज संघ ने जो है मेहताब सिंह बौद्ध इसके संभागीय प्रभारी हैं, उन्होंने दो ज्ञापन दिए और उसमें दो अलग अलग बिंदु हैं। एक तो पारस जाटव की के ऊपर जो हत्या का बताया गया है और एक दूसरा राजेश्वरी उमरैया ने अपने पति जो है उनके बारे में एक आवेदन उनकी तरफ से दिया गया है अपराध वगैरह का। तो दोनों में पुलिस ने जो है मतलब कार्रवाई वगैरह, एक में तो FIR वगैरह खुद ही लगाई है इन लोगों ने और जो भी नियमानुसार कार्रवाई चल रही है वो प्रशासन करेगा। हाँ, सहायता तो मांगते ही, आदमी जो परेशान होता है वो सहायता मांगता है। आश्वासन नहीं, हमने कहा नियमानुसार कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी।